विज्ञान ने खोज को समझने के लिए कदम बढ़ाया और फिर सभ्यताओं के विकास के दौरान सभी नए आविष्कार साथ आने लगे। प्लास्टिक एक आश्चर्यजनक पदार्थ के रूप में शुरू हुआ। इस संबंध में हमें कहानी के बारे में पता चलता है। साल 1869 में बिलियर्ड्स का खेल लोकप्रिय हो रहा था और गेंदों को बनाने के लिए प्राकृतिक हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। उस समय जंगली हाथियों की हत्या की जांच करने और हाथी दांत का विकल्प प्रदान करने के लिए न्यूयॉर्क की एक फर्म ने $10,000 की पेशकश की थी। जॉन वेस्ले हायट कॉटन फाइबर से निकले सेल्यूलोज को ट्रीट करने के प्रति बहुत उत्साहित थे, जिसमें नाइट्रिक एसिड के साथ कपूर मिलाया जाता है। इससे एक ऐसे प्लास्टिक की खोज संभव हुई जिसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता था। इसे कछुआ, सींग, लिनन और हाथी दांत जैसे प्राकृतिक पदार्थों की नकल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन समय के साथ प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से समुद्री, स्थलीय और वायुजनित जीवन अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया। ये एक कटु सत्य था। बढ़ते संकट को देखते हुए विज्ञान ने हमें जागरूक किया और ये साफ हो गया कि समस्या के समाधान में समाज को शामिल करना होगा। जब हमने वैकल्पिक ईंधन और अपशिष्ट पदार्थों के उपयोग से संबंधित चुनौतियों के समाधान में प्रयुक्त ईंधन स्रोतों पर सक्रिय रूप से काम करना आरंभ किया, तब हमने महसूस किया कि हमें पहले समाज को शामिल करना होगा। अगर हम उस अर्थशास्त्र को नहीं समझते हैं जिसमें मूल्य श्रृंखला के रूप में हर एक प्रतिभागी कुछ आर्थिक लाभ कमाए, तो क्या ऐसे में हर व्यक्ति भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकेगा? आज पूरी दुनिया प्लास्टिक के साथ जंग कर रही है। इस अलार्म के कई कारण हैं। लगभग 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल महासागरों में समा जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में हर दिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इस आंकड़े में गैर संग्रहित प्लास्टिक शामिल नहीं है, जो प्राकृतिक वातावरण, जानवरों और समुद्री जीवन को समाप्त करता है। आज उपयोग में आने वाले अधिकतर प्लास्टिक पॉलीओलेफिन्स हैं। वे पीईटी या पॉलीइथिलीन टैरिफ थैलेट उत्पादों की तुलना में कम बायोडिग्रेडेबल हैं। उन्हें विघटित करना लगभग असंभव है, क्योंकि अधिकांश बैक्टीरिया उन्हें तोड़ नहीं पाते। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें प्लास्टिक को विघटित कर सकती हैं, लेकिन इसमें भी 50 साल से ज्यादा समय लगता है। वर्तमान में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के कुछ सामान भारत में प्रतिबंधित हैं। इस प्रतिबंध को और अधिक सख्त बनाने और पॉलीथीन बैग और पैकेजिंग के अन्य उत्पादों के लिए कम से कम 125 माइक्रोन की मोटाई तय करने का प्रस्ताव है। इस शीर्षक से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि यदि हम वर्तमान दर पर ही प्लास्टिक का उत्पादन जारी रखते हैं और अगर उसे साल 2050 तक ऐसे ही जल निकायों में डंप करते रहते हैं, तो समुद्र में मछलियों से कहीं ज्यादा प्लास्टिक तैरती हुई दिखाई देंगी। प्लास्टिक का खतरा सचमुच बहुत बड़ा है। हाल ही में हमारे एक वैज्ञानिक, जो कि दिल्ली में म्यूनिसिपल डंप की मात्रा को देख रहे हैं, उन्होंने पाया है कि पिछले कुछ सालों में 15 लाख टन प्लास्टिक जमा हुआ है। भारत सरकार ने आने वाले वर्षों में देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लिया है। पॉलीथीन बैग और स्टायरोफोम जैसे सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग, भंडारण और निर्माण को हतोत्साहित करने के लिए अपील की जा रही है। इसी तरह ई कॉमर्स फर्म, जो कि भारत के वार्षिक प्लास्टिक उपयोग का लगभग 40% उपयोग करती हैं, उन्हें भी प्लास्टिक की खपत को कम करने की सलाह दी जा रही है। संसद भवन ने अपने परिसर में पैकेज्ड पेयजल की बोतलों और अन्य डिस्पोजल प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया है। आज के समय में भारत का हर नागरिक प्लास्टिक प्रदूषण से परेशान है, और मुझे इस बात की खुशी है कि भारत सरकार ने प्रदूषण मुक्त करने के लिए भारत को एक ठोस कदम उठाया है, और हर नागरिक इस ठोस कदम से खुश है और उसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होगा कि प्लास्टिक कैसे इतनी बड़ी चुनौती बनी? ये पदार्थ आखिर है क्या और ये कहां से आया? प्लास्टिक शब्द का मूल अर्थ लचीला और आसानी से आकार परिवर्तन करने वाला होता है। समय के साथ ये सिंथेटिक पॉलीमर नामक सामग्री की एक श्रेणी बन गया। पॉलीमर का अर्थ है कई हिस्सों का,
पॉलीमर अणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। हमारी प्रकृति पॉलीमर से भरी हुई है और सबसे आम प्राकृतिक बहुलक सेल्युलोज है, वो सामग्री जो पौधों की कोशिका भित्ति बनाती है। समस्या तब शुरू हुई जब इंसानों ने सीखा कि पिछली सदी और आधी सदी में सिंथेटिक पॉलीमर कैसे बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म ईंधनों द्वारा उपलब्ध कराए गए भरपूर कार्बन परमाणुओं का उपयोग परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने के लिए किया गया था। ये दोहराई जाने वाली इकाइयों में व्यवस्थित होती है, जो अक्सर प्रकृति में पाए जाने वाले लोगों की तुलना में बहुत लंबी होती है। श्रृंखला की लंबाई और जिस पैटर्न में उन्हें बनाया गया था, उन्होंने पॉलीमर को मजबूत, हल्का और लचीला बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें प्लास्टिक बना दिया। उस समय तक मनुष्य नए प्रकार के प्लास्टिक की खोज करके खुश थे। ऊष्मा की प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी दो मुख्य श्रेणियां थीं, थर्मोसेट या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो एक बार ठंडा और कठोर हो जाता था, अपने आकार को बनाए रखता था और अपने मूल रूप में वापस नहीं आ पाता था। उनकी कठोरता और टिकाऊपन इसे ऑटो पार्ट्स, विमानों के विभिन्न भागों और टायर में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। इसके विपरीत थर्मोप्लास्टिक कम कठोर होते हैं और गर्म होने पर नर्म हो जाते हैं और ये अपने मूल रूप में लौट आते हैं। वे आसानी से ढल जाते हैं और फिल्मों, फाइबर और पैकेजिंग आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं। आकार की दृष्टि से प्लास्टिक के कई प्रकार हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रसार में इनकी सीधी भूमिका होती है। मैक्रोप्लास्टिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला प्लास्टिक है, जिसे हम देख और एकत्र कर सकते हैं। आमतौर पर इसका सीधा प्रभाव फूड चेन पर नहीं पड़ता है। माइक्रोप्लास्टिक विभिन्न मूल आकार और रासायनिक संरचना के बहुत छोटे कण हैं। वे आकार में 1 से 5 मिलीमीटर तक के होते हैं और हमारे महासागरों में सूप की तरह तैरते रहते हैं। ये स्पष्ट रूप से खतरा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वे अपने आकार के कारण फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला में अपना रास्ता सहज तरीके से खोज लेते हैं। लेकिन प्लास्टिक का सबसे चुनौतीपूर्ण रूप नैनोप्लास्टिक है। आमतौर पर वे माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं और समय के साथ बड़े प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण बनते हैं। हालांकि छोटे आकार के बावजूद उनके पास एक विशाल सतहों का क्षेत्र होता है और ये माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में जहरीले कंपाउंड्स की एक बड़ी मात्रा वहन करने की क्षमता भी रखते हैं। इनके छोटे आकार के कारण ये कोशिका झिल्ली के कारण होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस जैसी बाधाओं को भी पार कर जाते हैं। लेकिन उन सब में एक सबसे गंभीर बात यह है कि ये कण मछली और जल में पाए जाने वाले जीवों के आंतों और पेट में पाए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में प्लास्टिक 3 तरह से प्रभावी हैं। साल 2019 में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि प्लास्टिक के उत्पादन और भस्म दोनों मिलकर वायुमंडल में 85 करोड़ टन से अधिक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करेंगे। साल 2050 तक ये उत्सर्जन 2.8 अरब टन तक बढ़ सकते हैं। हमारे महासागर, जो कि ग्रीन हाउस गैसों और प्लास्टिक जमाव को सबसे बड़ा प्राकृतिक कार्बन सिंक प्रदान करते हैं, साथ ही समुद्री जानवरों तथा प्राकृतिक आवासों के पनाहगाह हैं, वहां प्लास्टिक को विघटन होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इससे भी बदतर यह है कि सूरज की रोशनी और गर्मी भी प्लास्टिक को शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का माध्यम बनाते हैं, जिससे खतरनाक प्रतिक्रिया का चक्र बन जाता है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ की ओर से जारी प्लास्टिक एंड हेल्थ नामक एक अनुसंधान रिपोर्ट द हिडन कॉस्ट्स ऑफ अ प्लास्टिक प्लैनेट फरवरी 2019 के अनुसार प्लास्टिक प्रसार से हमारे ग्रह और जलवायु को वैश्विक स्तर पर खतरा है। अच्छी खबर यह है कि केवल एक बार उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक के सैकड़ों विकल्प हैं, जो या तो अब इस्तेमाल के लिए तैयार हैं या फिर पाइपलाइन में हैं। उदाहरण के लिए प्लांट बेस्ड प्लास्टिक्स या बायोप्लास्टिक्स, जो कि कॉर्न जैसे विभिन्न स्रोतों से बनाए जाते हैं, जिन्हें PLA या पॉलीलैक्टिक एसिड में विघटित किया जा सकता है। बगैस गन्ना प्रसंस्करण का एक सह उत्पाद है। लचीलेपन और चिपचिपेपन के कारण इसे फूड डिलीवरी के लिए उपयुक्त पैकेजिंग में आसानी से ढाला जा सकता है। इससे फूड सर्विस के साथ साथ मशरूम रूट पैकेजिंग का भी विकास हुआ है। शावर फ्रेंडली पेपर का इस्तेमाल इको ब्यूटी रेंज की पैकेजिंग में किया जाता है। इसका बाहरी कार्ड पुनः उपयोगी और पुनः उपयोग के योग्य, गोंद मुक्त और पानी का प्रतिरोधी है। इसकी अंदरूनी लाइनर पुनः उपयोगी प्लास्टिक से बनाई जाती है और इसमें नियमित प्लास्टिक बोतलों की तुलना में 60% कम सामग्री की खपत होती है।
स्टोन पेपर को कागज या प्लास्टिक के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो प्रिंट करने योग्य, पुनः उपयोगी और वाटरप्रूफ हैं। मिल्क प्लास्टिक प्रोटीन की मिट्टी और एक प्रतिक्रियाशील अणु ग्लिसराल डिहाइड से बनता है। ये प्लास्टिक को बहुत मजबूत बनाता है, लेकिन इसके बावजूद ये जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल है। कॉर्न स्टार्च और सोरघम लूज उसी तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसे कि नियमित पॉलिस्टायरीन का उपयोग लूज फिल के लिए किया जाता है। लकड़ी की लुगदी सिलोफन, सिलोफन का एक दूसरा स्थायी रूप है। ये FSC प्रमाणित लकड़ी की लुगदी और प्रमाणित बायोडिग्रेडेबल से बनाया जाता है। कच्चे माल के रूप में बांस अपने विविध गुणों के कारण फाइलों, बांस धारकों और नली के लिए प्लास्टिक का एक और स्थायी विकल्प है। बांस पर आधारित संगठन इस विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि जो कुछ भी प्लास्टिक से बनाया जा सकता है वो बांस से भी बनाया जा सकता है। बांस के उत्पादों को बांस की पुलिया की बाहरी परत से बनाया जाता है जो सुरक्षित है। ये विकसित हो रहे पौधों के बीच बढ़ता है, जिसे खोल कहा जाता है। एक निश्चित बिंदु पर खोल पौधे से गिर जाता है, जिसे एकत्र कर साफ किया जाता है। फिर खोल को जरूरी मोटाई में टुकड़े टुकड़े करके दबाया जाता है, जिससे आवश्यक आकार में बंध जाता है। इस प्रक्रिया में कोई रसायन या विषाक्त पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। बांस का टेबल वेयर यानी खाने के बर्तन आमतौर पर लगभग 2 साल चलते हैं। तब तक बांस की संरचना में पानी अपना पैठ बना लेती है, जिससे ये बदरंग होने लगता है। प्लास्टिक की जगह बांस को अपनाने के कई फायदे हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल है, ये अधिक ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ये ग्रामीण आजीविका को लाभ पहुंचाने में मदद कर रहा है। साथ ही ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और मिट्टी के कटाव को रोकता है। NGO सिबार्ट के पास शिल्प, फर्नीचर, स्कूल डेस्क, घर एवं कार्यालय फर्नीचर, फर्श, चौखट, निर्माण संरचनाएं, नावे आदि सभी उत्पादों के विकास के लिए इन हाउस विशेषज्ञता है। राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ बांस और इससे जुड़े क्षेत्रों के उद्योग से संबंधित पूरे वैल्यू चेन का विकास करना है। बांस मिशन की परिकल्पना है कि बांस क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रवार रणनीति अपनाई जाए, साथ ही बांस की खेती और इसके विपणन में वृद्धि करके इसके समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाए। मिशन के तहत कई लोगों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई नई नर्सरियों की स्थापना की गई है और इस तरह उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। बांस मिशन के अंतर्गत बांस के उत्पादों, विशेष रूप से हस्तकलाओं और वस्तुओं के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार एकीकृत कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में प्रतिदिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो कि लगभग 9,000 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 1950 से 8.3 से 9 अरब मेट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जा रहा है। ये कचरा 4 से भी ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर्वत के बराबर है। सफेद और साफ प्लास्टिक अपनी संरचना में असली प्लास्टिक से ज्यादा बेहतर है, जो न केवल भोजन को सुरक्षित रखते हैं बल्कि गहरे रंग के प्लास्टिक की तुलना में इसे रिसाइकल करना भी आसान होता है। प्लास्टिक में संग्रहित पदार्थ के रंगों में पानी में घुलने की क्षमता होती है, जिससे रासायनिक प्रदूषण का खतरा होता है। संभव है कि कलरेंट्स में से कुछ यौगिक बहुलक के रसायन को तोड़ने लगते हैं और इसके मूल गुणों को कमजोर करते हैं। औद्योगिक विशेषज्ञों को उम्मीद है कि साल 2050 तक हम आज के प्लास्टिक उत्पादन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे होंगे। लेकिन आखिरकार प्लास्टिक के बारे में ऐसा क्या है जो इसे इतना हानिकारक बनाता है? मानो या ना मानो, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री को अपघटित करने में 500 साल तक का समय लगता है। अधिकांश सिंथेटिक प्लास्टिक को जीवित सूक्ष्म जीवों और थर्मोसेट्स को रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भी अपघटित नहीं किया जा सकता है। कई भारतीय सरकारी एजेंसियां प्लास्टिक का विकल्प प्रदान करने में लगी हुई है। IIT गुवाहाटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर्स ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की आर्थिक सहायता से होम ग्रोन तकनीक के साथ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित किया है। रक्षा खाद्य शोध प्रयोगशाला DFRL की स्थापना हुई है, जिसने ऐसी कटलरी विकसित की है जिसका उपभोग उपयोग के बाद भी किया जा सकता है।
भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खाने की कटोरी, चम्मच और फोर्क को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे अब तक उपयोग में आ रहे प्लास्टिक और स्टील कटलरी को बदला जा रहा है। कटलरी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में कैलोरी की मात्रा ना के बराबर होती है। लेबोरेटरी ने कटलरी को अधिक से अधिक हल्का बनाने की कोशिश की है ताकि सैनिकों पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके, क्योंकि यही उनके उपयोगकर्ता हैं। आईआईटी दिल्ली के एक रिसर्च ग्रुप ने उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक कचरे को थर्मो कैटेलिटिक क्रैंकिंग के लिए रिएक्टर सेटअप डिजाइन किया है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले तरल ईंधन के उत्पादन के लिए एक बेहतर प्रक्रिया विकसित की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर के पंत और सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एस एन नाइक के नेतृत्व में रिसर्च टीम एक पायलट पर कार्य कर रही है। ये प्लास्टिक कचरे को हाइड्रोकार्बन में पूरी तरह रूपांतरित करेगी, जो कमर्शियल पेट्रोलियम कंपाउंड्स की जगह लेगा। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के पेमेंट मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज ग्रुप पहले से बने प्लास्टिक स्लैब्स और पैनलों के डिजाइन और विकास में शामिल है, जिससे प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क का निर्माण होता है। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने गेल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर साल 2006 में प्लास्टिक कचरे के मूल्यवर्धन के लिए शोध आरंभ किया था। इस कार्य में उत्प्रेरकों के विकास के साथ साथ विभिन्न स्रोतों के प्लास्टिक कचरे को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलने की प्रक्रिया शामिल है। यह पायलट प्लांट प्रतिदिन 1 टन प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए है। इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। साल 2008 में पर इसकी क्षमता लगभग 300 ग्राम थी और उसके बाद हमने बेंच स्केल यूनिट का विकास किया, जिसकी क्षमता पहले 3 किलोग्राम और फिर उसके बाद 5 किलोग्राम के आसपास थी। उसके बाद यह बेंच मोड ऑपरेशन था, जिसे हमने अब तक जारी रखा है। इसकी क्षमता अब 10 किलोग्राम प्रतिदिन की है। CSIR IIP एक अनूठी प्रक्रिया विकसित करने में सफल रहा है, जिसके द्वारा पॉली ओलिफिनिक वेस्ट प्लास्टिक जैसे पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के उत्पादन के साथ साथ गैसोलीन या डीजल या फिर सुगंधित उत्पादों में से किसी भी रूप में खास तौर से परिवर्तित किया जा सकता है। CSIR IIP में गेल इंडिया के साथ मिलकर हम एक ऐसी प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं जिससे हम इस प्लास्टिक का उपयोग कर सकें, और हमने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की है जो कि मूल रूप से थर्मोकैटेलिक रूपांतरण है। आप जानते हैं कि पॉलीमर बहुत हद तक प्लास्टिक है जो बहुत विशाल अणु होते हैं। यह प्रक्रिया अणुओं को छोटे कणों में तोड़ देती है और फिर हमारे पास एक उत्प्रेरक होता है जो कि अणुओं को प्राप्त करने के लिए संरचना को बदलता है, जिसे या तो गैसोलीन या डीजल या एरोमेटिक्स में बदला जा सकता है। इसलिए आमतौर पर 1 किलोग्राम प्लास्टिक से हम लगभग 700 मिलीलीटर गैसोलीन प्राप्त कर सकते हैं। हम लगभग 800 मिलीलीटर डीजल और एक तीसरा उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 400 से 500 मिलीलीटर एरोमेटिक्स हो सकता है। ये पेट्रोकेमिकल्स का कच्चा माल है। अब इस गैसोलीन डीजल का उपयोग मोटर वाहन आदि के लिए भी किया जा सकता है। ये प्रक्रिया ताप अपघटन को शामिल किए हुए होती है, जिसमें पहले कैटेलिटिक का रूपांतरण होता है और फिर उसके बाद संघनन और विभाजन के बाद इच्छित तरल हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ताप अपघटन एक निष्क्रिय वातावरण में उच्च तापमान पर पदार्थ का थर्मल अपघटन है। इसमें पदार्थ के रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक की समस्या को हल करने की क्षमता है। ये किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक कचरे का निपटान करता है। ये ईंधन और रसायन की आपूर्ति में वृद्धि कर सकता है। इस प्रक्रिया पर आधारित संयंत्र को 1 TPD स्किड माउंटेड से लेकर बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षमताओं पर स्थापित किया जा सकता है। हमने सेवाएं प्रदान की हैं, हमने डिस्टिलेशन किया है। जो भी ताप अपघटित तेल उत्पादित कर रहे हैं और इस प्रक्रिया से जो ईंधन पैदा होता है, हम उसका डिस्टिलेशन करते हुए STM मानकों का पालन कर रहे हैं। उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है और इसकी मात्रा कितनी है, इस प्रोसेस से हम यह यकीन दिला रहे हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्वक मानकों का पालन कर डीजल स्पेसिफिकेशंस का परीक्षण कर रहे हैं।
मान लीजिए कि हमारे पास गैसोलीन का उत्पादन है, तो हमारे पास गैसोलीन मानकों का पालन है, इसलिए यह CSIR IIP की परियोजना को वास्तव में सहायता प्रदान कर रहा है। लेबोरेटरी स्केल पर विकसित होने के बाद इस प्रक्रिया को बेंच स्केल यूनिट पर लगातार 8 से 10 किलोग्राम प्रतिदिन और 1 टन की मात्रा वाले डेमो प्लांट की स्थापना देहरादून में गेल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर की गई। ये संयंत्र 27 अगस्त 2019 से कार्यरत है और 2020 के अंत तक इस तकनीक के व्यवसायीकरण के लिए तैयार होने की उम्मीद है। कैंपस में कचरा छटाई के लिए CSIR IIP में सैनिटाइजेशन और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मैनुअल कंपोस्टिंग पिट्स का निर्माण शामिल है। इको कैंपस ड्राइव विचार के तहत एक जीरो वेस्ट पहल की शुरुआत की गई है। हम अभी देहरादून में अपने एक सहयोगी STC फाउंडेशन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है, उसके साथ मिलकर देहरादून शहर से प्रतिदिन 1000 किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। यह शहर के रोजाना के प्लास्टिक खपत का लगभग 5% है। हम प्लास्टिक को इकट्ठा करके उसे डीजल में परिवर्तित करने में सक्षम है और यही संयंत्र उसे पेट्रोल और अन्य रसायनों में भी बदल सकता है। इसलिए एक छोटी सी प्रक्रिया से हम यह दिखा सकते हैं कि प्रोटोटाइप प्लांट शहर के प्लास्टिक कचरा को हटाने में सक्षम है। हम अपने परिसर में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और इसे पुनः चक्रित करने के लिए वैसे लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं जो सख्ती से प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करते हैं। हम सिंगल यूज पानी की बोतलों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा नहीं देते। इस पहल का दीर्घकालिक उद्देश्य परिसर के कचरे का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करना है। ईंधन उत्पादन के लिए मूल्यवान फीड स्टॉक के रूप में इसका उपयोग जीवन की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। गीले और सूखे कचरे की संग्रह और निपटान के लिए एक स्थायी प्रैक्टिस को अपनाया गया है। परिसर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे पॉलिथीन की अनुमानित मात्रा 15 से 20 किलोग्राम है, जिसका उपयोग IIP प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रतिदिन 1 टन क्षमता वाले संयंत्र में ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। हालांकि इसमें दो समस्याएं हैं। देश में प्लास्टिक आम आदमी द्वारा अपनाए जाने वाली सामग्री है। प्लास्टिक के लिए पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रित सस्ती और टिकाऊ विकल्प है जो अभी तैयार ही हो रहा है या उन पर कार्य प्रगति पर है। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करने के कुछ आसान विकल्प के रूप में कैनवास बैग हो सकते हैं, जो टिकाऊ, हल्के और सस्ते हैं। पर्यावरण के अनुकूल बैग प्राकृतिक स्टार्च और वनस्पति तेल व्युत्पादित सामग्रियों से बने पारंपरिक बैग प्लास्टिक के विकल्प हैं। डेनिम बैग भी भरोसेमंद है और एक नियमित प्लास्टिक बैग की तुलना में ये दोगुनी क्षमता वाला है। कई स्टार्टअप्स प्लास्टिक बैग्स को ट्रेंडी विकल्प दे रहे हैं। उनमें से कुछ पुराने प्लास्टिक बैग्स को नए स्टाइलिश फैशनेबल बैग्स में शामिल कर रहे हैं। ये हमेशा सादे और सरल जूट के बैग होते हैं। वे न केवल मजबूत होते हैं बल्कि अधिक टिकाऊ भी होते हैं। वे आसानी से 2 वर्षों में जैविक रूप से खत्म हो सकते हैं। जरूरत है ऐसी प्लास्टिक की जिसके पॉलीमर को डिग्रेड किए बिना और इसके शक्ति और स्थिरता जैसे उपयोगी गुणों को बनाए रखा जा सके और जिसका नवीनीकरण बार बार किया जा सके। ये समाधान में भागीदार बनने का समय है, न कि प्लास्टिक प्रदूषण में हिस्सेदार बनने का। अगर आप फैंटास्टिक हैं, तो प्लास्टिक को उपयोग से हटाने के लिए कुछ ठोस और प्रभावी कदम उठाएं।